हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्ना रानिशा कुकिंग लेसन। आज मैं आप सभी को एक और नया रेसिपी दिखाने जा रही हूँ, जो है चीज वेजी ऑमलेट। ऑमलेट इज एक्चुअली अ नॉन वेजिटेरियन डिश, बट आई हैव नेम्ड इट वेजी ऑमलेट एज आई हैव यूज्ड सो मेनी हेल्दी वेजिटेबल्स एंड ऑल्सो हैव यूज्ड चीज टू मेक दिस ऑमलेट। दिस डिश कैन बी कुक्ड इन होस्टल बाय यूजिंग अ राइस कुकर, बट इन केटल इट इज नॉट पॉसिबल टू मेक दिस ऑमलेट एज इन केटल वी कैन यूज ऑयल। अब मैं आप लोग को दिखाती हूँ क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगता है। चीज, 2 बिग टोमेटो, 2 बिग ऑनियन, 4 एग व्हाइट, 4 एग योक, हाफ स्मॉल कैरेट, कोरिएंडर लीव्स, 1 पोटैटो, सॉल्ट एज पर टेस्ट, क्यूमिन पाउडर लेस देन हाफ टेबल स्पून। नाउ आई एम गोइंग टू शो यू ऑल द कुकिंग प्रोसेस। सबसे पहले एक बोल में लेंगे 4 एग व्हाइट पार्ट, एग को अच्छे से व्हिस्क करेंगे बाय यूजिंग अ डाल मिक्सचर सो दैट द एग टर्न्स थिकनेस एंड देयर इज अ फोमी टाइप टेक्सचर। अगर आप लोगों के पास हैंड ग्राइंडर है देन यूज दैट, इट इज लेस टाइम कंज्यूमिंग। इन होस्टल स्टूडेंट्स आर नॉट अलाउड टू कीप हैंड ग्राइंडर सो दे कैन यूज नाइफ। आप लोग इधर देख सकते हो एक फोमी टाइप टेक्सचर एंड एग बहुत अच्छे से थिक हो गया है। अब इसमें ऐड करेंगे एग योक पार्ट। नेक्स्ट इसमें ऐड करेंगे कटा हुआ प्याज ऑनियन। नेक्स्ट इसमें ऐड करूंगी टोमेटो। इसके बाद ऐड करूंगी कोरिएंडर लीव्स, धनिया पत्ता। नेक्स्ट इसमें ऐड करूंगी कैरेट। नेक्स्ट इसमें ऐड करूंगी सॉल्ट, सॉल्ट अकॉर्डिंग टू योर टेस्ट। लास्टली इसमें ऐड करूंगी क्यूमिन पाउडर। सब इंग्रेडिएंट्स ऐड करने के बाद अच्छे से मिला लेंगे। आप लोग इधर देख सकते हो मिक्सिंग के बाद देखने में ऐसा लग रहा है। नेक्स्ट एक फ्राइंग पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल। जब तक ऑयल गर्म होता है पोटैटो में डालेंगे थोड़ा सा नमक और अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जब ऑयल गर्म हो जाए एक एक करके पोटैटो डाल देंगे और अच्छे से पोटैटो को फ्राई करेंगे अंटिल इट टर्न्स क्रिस्पी। फ्राई करने के बाद पोटैटो देखने में ऐसा लगेगा। नेक्स्ट एक फ्राइंग पैन में डालेंगे थोड़ा सा ऑयल और ऑयल को अच्छे से स्प्रेड करेंगे इन फुल पैन। जब ऑयल थोड़ा सा गर्म हो जाए तब इसमें डालेंगे एक बैटर। याद रखिए ऑमलेट को कुक करना है इन लो फ्लेम। अभी इस बैटर के ऊपर डालेंगे फ्राइड किया हुआ पोटैटो। नेक्स्ट इसमें डालेंगे स्लाइस किया हुआ चीज। उसके बाद फ्राइंग पैन का ढक्कन लगा के एग को कुक करेंगे इन लो फ्लेम फॉर 10 मिनट्स। 10 मिनट के बाद आप लोग इधर देख सकते हो एग बहुत अच्छे से कुक हो गया है एंड द ऑमलेट इज रेडी। और देखने में ऐसा लगे इसके अंदर बहुत सारा हेल्दी वेजिटेबल्स है, इट्स गुड फॉर हेल्थ। मैंने और एक एग रेसिपी डाले थे इन माय यूट्यूब चैनल विच इज कैम्पबेल्ड एग मेड इन केटल फॉर होस्टल स्टूडेंट्स। आप लोग वो रेसिपी देख सकते हो, लिंक इज गिवेन इन द डिस्क्रिप्शन बिलो और गो टू माई चैनल। अब मैं खा के दिखाती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। ऑमलेट बहुत ही स्वादिष्ट बना है, मेरे पेरेंट्स को मेरा हाथ का बनाया हुआ ऑमलेट बहुत ही टेस्टी लगा।
ऐसे ही ऑमलेट मैंने लास्ट टाइम बनाए थे बट विदाउट चीज़। अभी मैं वो भी दिखाती हूँ। थोड़ा सा कुकिंग प्रोसेस सेम है, सिर्फ मैंने इसमें चीज़ ऐड नहीं की हूँ। ये वाला ऑमलेट भी खा के दिखाती हूँ इसका टेस्ट कैसा है। आप बाहर से देख सकते हो देखने में कितना सुंदर लग रहा है, विद डिफरेंट वेजिटेबल्स एंड फ्राइड पोटैटो। दिस ऑमलेट इज मेड विदाउट चीज़। आप लोग इधर देख सकते हो अंदर बहुत सारे हेल्दी वेजिटेबल्स है, लाइक टोमेटो, ऑनियन, कैरेट, कोरिएंडर लीव्स। आई होप आप लोगों को मेरा रेसिपी अच्छा लगा। कृपया लाइक एंड शेयर करें। बाय बाय, स्टे सेफ, टेक केयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।